जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्री बरसाने वाली सरकार की जय हो। जी सी भक्तों, आप प्रमाण गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रेमानंद महाराज जी गुरु के दर्शन करते हैं। जैसे कि गुरुदेव मार्ग में निकलते हैं सुबह रात्रि के 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। मॉर्निंग वॉक का जब वो परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं तो मार्ग में भक्तों का इतना सैलाब बढ़ जाता है, इतना इस प्रकार भक्तों का सैलाब बढ़ जाता है। अपने अपने गुरु के लिए जो नज़दीक अंदर भाव प्रकट होते हैं वो गुरुदेव के आगे प्रस्तुत करते हैं। कोई अपने राधा राधा नाम जप कर उनको प्रसन्न करता है, कोई उनके लिए उपहार लेकर उनको प्रसन्न करता है, कोई उनके मार्ग में रंगोली दिए बहुत सुंदर सुंदर फूल पुष्प बरसाकर उनको प्रसन्न करता है। लेकिन गुरुदेव हर पल, हर सेकंड, हर 24 घंटे श्री राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं, श्री राधा रानी को मनाने में लगे रहते हैं, श्री राधा रानी के नाम में इतनी रुचि में डूबे रहते हैं कि ये प्रेम भाव देखकर गुरुदेव का इतने दूर दूर से भक्त का सैलाब बढ़ता है। इतने भजन संध्या में सम्मिलित होते हैं भक्त और उस भजन संध्या का आनंद लेते हैं सभी भक्त। हाला लेडीज़ उसमें गाते हुए आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब भी भजन संध्या होती है, भजन होता है, बहुत बहुत आनंद आता है। बहुत ही हमें तकदीर की बात है, खुशनसीब की बात है कि हमें भजन करने का अवसर प्राप्त होता है, हमें भजन करने का मौका प्राप्त होता है। ये सिर्फ हमारी श्री राधा रानी का प्रेम और राधा रानी की कृपा है। आप देख सकते हैं हमारी स्वामिनी, हमारी बरसाने वाली लाडली जी का रोज़ाना गुरुदेव सुंदर से सुंदर उनको आभूषण पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर उनको पोशाक पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर उनको पुष्पों और ताज़ा ताज़ा अर्पित करते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारा मानव तन 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन प्राप्त होता है, इसलिए इसको व्यर्थ ना करें। अपने अधिक से अधिक पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम ऐश्वर्य कमाइए, लेकिन अपने धर्म से अपने धन को जोड़कर, अपने जीवन में अपने श्री हरि नाम देकर अपने कार्य कीजिए, अपने कार्यों की अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। ये देख सकते हैं प्रेमानंद महाराज जी जब श्री राधा रानी के नाम को निहारते हैं, उनके भजन में बैठते हैं, इस प्रकार मगन हो जाते हैं कि उनके नेत्रों में आंसू की बरसात होने लग जाती है। देख सकते हैं ऐसे परम संत, महासंत जो पीला रंग अपना चुके हैं, जो आज कहते हैं हमारी आज किडनियाँ ख़राब हैं, आज हम जीवित हैं श्री राधा रानी की कृपा से और अपने ठाकुर जी की कृपा से। जी हाँ, उनके बड़े से बड़े इतने टैलेंटदार उनके सेवादार हैं, इतना कुछ करते हैं और बहुत सेवा है, इतने बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने परम गुरु की, इतने महान गुरु की सेवा उनको प्राप्त हुई और तीनों लोक की स्वामिनी जी की सेवा उनको प्राप्त है। सभी सेवादारों को गुरु की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आप देख सकते हैं हरि भजन करे बिना ये जीवन बहुत अधूरा है। हम कहीं भी टूर पे जाते हैं तो हर चीज़ की एक पैकिंग करते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में हम अपने, जब हमारा जीवन समाप्त होता है, जब हम अपने अकेले की यात्रा हमारी शुरू होती है, तो हमारी इसके लिए भी कुछ तैयारियां रखनी चाहिए। हरि भजन, अपना अच्छा कर्म करो, हरि भजन ज़्यादा करो, भक्ति करो और अपने नाम अच्छे कर्म करके अपना नाम भी कमाओ। तो ये हमारे ऊपर जाने की एक यात्रा है। कहते हैं खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जन्म जब होता है हमारा, अपना तन लेके आते हैं, कर्म लेके दुनिया से जाते हैं। हमारा परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, सब पड़ोसी, मोहल्लेदार सब हमारे शमशान तक साथ देते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी चिता तक साथ देता है। आगे को हमारे कर्म को और हमें ही यात्रा करनी होती है। कर्म ऐसा करो और अपना आत्मा को ऐसा मनाओ कि परमात्मा के सामने जाओ तो वो मुस्कुराए, ना कि वो हिसाब करने लग जाए। जी हाँ, हमारे परमपिता परमात्मा, हम सब पृथ्वी पर जो भी हैं, जीव जंतु मानव तन जो भी हैं, अपने हर पेड़ पक्षी सब कुछ परमात्मा की संतान है, हमारा मालिक सिर्फ परमात्मा है। इसलिए हमें हर चीज़ में अपने परमात्मा को कड़ कड़ में निहारना चाहिए और अपनी दया, अपनी शीलता बढ़ाने बरकरार रखनी चाहिए और ध्यान रहे जीवन में अच्छा ना कर सको, किसी को बुरा मत करना, किसी के साथ किसी का दिल मत दुखाना, किसी का
किसी को सताना नहीं, खास करके किसी के भक्ति का मजाक मत बनाना, किसी की भक्ति का मजाक मत बनाना, किसी के संत को मत सताना, किसी को भक्त को ध्यान। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्री बरसाने वाली सरकार की जय हो। जैसे भक्तों आप प्रमाण गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रेमानंद महाराज जी गुरु के दर्शन करते हैं, जैसे कि गुरुदेव मार्ग में निकलते हैं सुबह रात्रि के 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। मॉर्निंग वॉक का जब वो परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं तो मार्ग में भक्तों का इतना सैलाब बढ़ जाता है, इतना इस प्रकार भक्तों का सैलाब बढ़ जाता है, अपने अपने गुरु के लिए जो नज़दीक अंदर भाव प्रकट होते हैं वो गुरुदेव के आगे प्रस्तुत करते हैं। कोई अपने राधा राधा नाम जप कर उनको प्रसन्न करता है, कोई उनके लिए उपहार लेकर उनको प्रसन्न करता है, कोई उनके मार्ग में रंगोली दिए बहुत सुंदर सुंदर फूल पुष्प बरसा कर उनको प्रसन्न करता है। लेकिन गुरुदेव हर पल, हर सेकंड, हर 24 घंटे श्री राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं, श्री राधा रानी को मनाने में लगे रहते हैं, श्री राधा रानी के नाम में इतनी रुचि में डूबे रहते हैं कि ये प्रेम भाव देखकर गुरुदेव का इतने दूर दूर से भक्त का सैलाब बढ़ता है। इतने भजन संध्या में सम्मिलित होते हैं भक्त और उस भजन संध्या का आनंद लेते हैं सभी भक्त। हाला लेडीज़ उसमें गाते हुए आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जब भी भजन संध्या होती है, भजन होता है, बहुत बहुत आनंद आता है। बहुत ही हमें तकदीर की बात है, खुशनसीब की बात है कि हमें भजन करने का अवसर प्राप्त होता है, हमें भजन करने का मौका प्राप्त होता है। ये सिर्फ हमारी श्री राधा रानी का प्रेम और राधा रानी की कृपा है। आप देख सकते हैं हमारी स्वामिनी, हमारी बरसाने वाली लाडली जी का रोज़ाना गुरुदेव सुंदर से सुंदर उनको आभूषण पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर उनको पोशाक पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर उनको पुष्पूर ताज़ा ताज़ा अर्पित करते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा ये हमारा मानव तन 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन प्राप्त होता है, इसलिए इसको व्यर्थ ना करें, अपने अधिक से अधिक पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम ऐश्वर्य कमाइए, लेकिन अपने धर्म से अपने धन को जोड़कर अपने जीवन में अपने श्री हरि नाम देकर अपने कार्य कीजिए, अपने कार्यों की अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। ये देख सकते हैं प्रेमानंद महाराज जी जब श्री राधा रानी के नाम को निहारते हैं, उनके भजन में बैठते हैं, इस प्रकार मगन हो जाते हैं कि उनके नेत्रों में अश्रु की बरसात होने लग जाती है। देख सकते हैं ऐसे परम संत, महासंत जो पीला